Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on joint product and bi-product. In the last video, we have done till question number 5. So in the current video, we will start with question number 6. So let's read question number 6. A factory is engaged in the production of a material of chemical B, and in the course of its manufacture, a by-product C is produced, which after further processing has a commercial value. For the month of April 2020, the following are the summarized cost data. देखिए फैक्ट्री जो है मेनली जो है वो केमिकल बी बनाती है, बट उनका जो है साथ में केमिकल सी यानी कि एक बाय प्रोडक्ट जो है सी बन गया है, जिसकी मार्केट में एक कमर्शियल लगनी एक रीजनेबल अमाउंट उनको मिल रहा है. अब देखिए उनका जो इन्होंने एक समराइज्ड कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है. देखिए जॉइंट एक्सपेंस दिया हुआ है मटेरियल 1 लाख, लेबर 50,000, ओवरहेड 30,000. फिर बी में दैट मीन्स बी और सी बने हैं जो कि फर्दर जो प्रोसेस हुए हैं उसके बाद जो क्या खर्चे हुए हैं. बी में 6,000 मटेरियल एंड सी 4,000, देन लेबर 20,000 इन बी, 18,000 इन सी, देन ओवरहेड कॉस्ट 10,000 फॉर बी, 6,000 फॉर सी. सेलिंग प्राइस फॉर बी इज 98, सेलिंग प्राइस फॉर सी इज 34. एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट ऑन बी की अच्छा में गिवन नहीं है, बट सी की गिवन दैट इज 4. याद रखना ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन है. देन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दैट इज 2000 ईच. नाउ द फैक्ट्री यूजेस रिवर्स कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बी. अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे सिर्फ बी के लिए पूछा, सी के लिए नहीं पूछा, यहाँ पर हमसे बी के लिए पूछा है. एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट वाइज एंड द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर द अप्रैल 2020. देखिए जॉइंट कॉस्ट तो हमें ओवरऑल पता है वे कितनी इंकर्ड हुई है. देखिए जॉइंट कॉस्ट अगर आप सबका टोटल करो दैट इज 1,80,000, ठीक है. और हमसे पूछा है कि एलोकेटेड की बी में कितना लेकर हुआ है. देखिए अगर सी का पता लगाए तो बी का अपना पता लगाएगा, ठीक है. और वैसे देखा जाए तो आप हमें अगर रिवर्स कॉस्ट मेथड चलोगे तो फॉर्मूला क्या देखिए, सेल्स माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो हमें देखिए बी का गिवन नहीं है. देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट हमें बी का गिवन नहीं है, हमें सी का गिवन है. तो यहाँ से हम जो है जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेबल टू सी तो निकाल सकते हैं, और फिर वहाँ से हम बी निकाल लेंगे, ठीक है. तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशंस को. क्वेश्चन नंबर 6, देखिए टोटल जॉइंट कॉस्ट कितने कितने की हुए, देखिए क्या 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 खर्चे हुए थे. दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. मटेरियल इंक्लूड हुआ दैट इज 1 लाख, लेबर हुआ था दैट इज 50,000, एंड ओवरहेड्स दैट इज 30,000. नाउ द टोटल वुड बी 1,80,000. ये टोटल आपका जॉइंट कॉस्ट हुआ. अब इसमें से अगर हम लेस करें दैट इज कॉस्ट एलोकेटेड टू सी, जो भी अमाउंट का ओवरलेस करेंगे देन वी विल गेट कॉस्ट एलोकेटेड टू बी. कॉस्ट एलोकेटेड टू बी हमें मिल जाएगा, ठीक है. तो हमें अब मेनली फोकस करना है कि जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू सी कैसे निकालेंगे. देखिए यहाँ निकालते हैं स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट फॉर सी. देखिए हमें रिवर्स कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे. तो देखिए क्या लेंगे, सेल वैल्यू, सेल्स वैल्यू देखिए कितनी है. फॉर सी के लिए देखिए 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं, कितने पे दैट इज 4 पर यूनिट, दैट इज 8,000 हो जाएगा आपके यहाँ पे. सॉरी सेल प्राइस सर 34 गिवन आपको, प्रॉफिट 4 है, सेल प्राइस आपको 34 गिवन आपको. सो दैट वुड बी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 34, दैट इज 68,000. अब इसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं.
प्रॉफिट कितना है, 4 पर यूनिट, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, 8000, दैट वुड बी 60000। ये क्या आपका, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया आपके पास। इसके बाद यहाँ से हम क्या निकालते हैं, दैट इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जॉइंट कॉस्ट तो बचेगा। देखिए कॉस्ट दो तरह की होती है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और प्री सेपरेशन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अगर पोस्ट सेपरेशन निकला है तो बचा क्या, प्री सेपरेशन कॉस्ट, एंड प्री सेपरेशन कॉस्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू जॉइंट कॉस्ट। तो देखिए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना कहता हूँ आपको, गिवन है देखो सी का, 4000 प्लस 18000 प्लस 6000, ठीक है, टोटल कीजिए सबका, दैट वुड बी 28000, 28000 आ जाएगा। सो विच मीन्स 32000 वुड बी जॉइंट कॉस्ट फॉर सी। सो यहाँ पर क्या करेंगे, 32000 लेस करेंगे, नाउ वी विल गेट जॉइंट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बी, दैट वुड बी 1948000, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट सब पूछा था द प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर द अप्रैल 2020, यानी कि अब हमसे ओवरऑल पूछ रहे हैं तो निकाल लेंगे देखिए दोनों का। स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पर हम देखिए टेबल छोटे से बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, देखिए सेल्स कितनी दोनों की, देखिए इसका कितना था सेल्स वैल्यू, 2000 मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस है 98, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 98 दैट वुड बी 1,86,000, एंड उसका कहता था 2000 मल्टीप्लाई बाय 34 दैट वुड बी 68,000, ठीक है। लेस करेंगे यहाँ से हम जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट अभी भी हमने निकाली है, देखिए बी सॉरी यहाँ पर बी आएगा, यहाँ आएगा बी और यहाँ आएगा सी। सो देखिए अब इसका आएगा दैट इज 1,48,000, एंड उसका भी हमने निकाला दैट इज 32,000। अब क्या लेस करना है हमें, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ठीक है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए आपको अभी निकाला था पोस्ट सेपरेशन को, देखिए यहाँ पर ये सी का है दैट इज 28,000, ठीक है, बी का भी हमें गिवन था, देखिए सबको टोटल करिए 6000 प्लस 20000 प्लस 10000 दैट वुड बी 36000, सब कुछ गिवन ही है। नाउ वी विल गेट प्रॉफिट, सो दैट वुड बी 12000 एंड 8000, दैट्स इट। So this is the final answer for overall property for each product. Now moving to next question number 7. In the course of manufacture of the main product P, byproduct A and B also emerge. क्या बोलना चाह रहे हैं, that means main उनका जो manufacturing है वो किसकी बनाने की, that is P, byproduct क्या बन के आ गया, that is A and B. The joint expense of manufacture amount
₹1,19,915 देखिए ज्वाइंट कॉस्ट गिवन आपको. द एंटायर थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रपोज्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर गिवन डिटेल्स. आफ्टर सेपरेशन गिवन आपको ये सेल्स गिवी है मेन प्रोडक्ट का 90,000 प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 60,000 बाय प्रोडक्ट 40,000 कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन 6,000 5,000 4,000 नेट प्रॉफिट इन सेल्स इन परसेंटेज भी गिवन आपको. टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपको दैट वुड बी 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर अपोर्शन टू द थ्री प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 20:40:40. Now we need to prepare a statement, the apportionment of joint cost to the main product and the two products. Easy hai. If the byproduct A is not subject to further processing and is sold at the point of separation for which there is a market, right? Market rate given aku, that is 58,500 without incurring the selling expense, would you advise it disposal at this stage? Pehle hum first point cover karte hain, fir aapko second point baad mein se isko samjhayenge. Question number 7. देखिए मेन जो प्रोडक्ट है उनका दैट इज देखिए मेनली उनके जो है ये तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो. ठीक है एक तो मेन प्रोडक्ट है दैट इज पी, बाय प्रोडक्ट है ए एंड बी. ठीक है सो ऊपर जो सेल्स गिवन है 90,000 60,000 40,000 देखिए इनके जो सेल्स गिवन दैट इज 90,000 60,000 एंड 40,000 ये जो सेल्स गिवन है दैट इज गिवन है आपको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि एडिशनल उन्होंने खर्चा किया तब जाके उनको जो इतनी सेल वैल्यू मिल रही है. ठीक है जो सेकंड पॉइंट था कि बोल रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ए को अगर वो फर्दर प्रोसेस ना करें उसको सेल करें एट रुपीज़ दिस तो वो पूछ रहे हैं क्या उनको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. दैट मीन्स वो प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं यानी कि इसकी बात कर रहे हैं मेनली वो कि अगर वो उनको 58,500 रुपये को बेचना ही कब होगा विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तब क्या उनको वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा. प्रॉफिट होगा देन वी विल एडवाइज अदरवाइज वी विल नॉट. ठीक है तो पहले तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट कवर करना दैट इज पहले हम जो है जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर लेते हैं बिटवीन द मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स. तो देखिए हमें सेल्स गिवन है तो अगेन यहाँ पर देखें रिवर्सल हो जाएगा. सेल्स गिवन है माइनस प्रॉफिट कर देंगे माइनस क्या करेंगे हम कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन बचा क्या आपके पास जॉइंट कॉस्ट. तो ये तो वो काफी इजी है. देखिए स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट particulars main product B by product A by product B. So we will start with the sales. Sale value. Kiti given dekhe? That is 90,000, 60,000, 40,000. Then we will less profit
and we have given profit in percentage form, that is 25%, 20%, 15%. So 90, that would be 22,500. 20% of this, that 12,000, and 15% of this, that would be 6,000. Now we will get cost of sale. $67,500, $48,000, $34,000. अब इसमें से देखिए और कोई खर्चा आपको दिया हुआ है? अच्छा, हमें यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस भी गिवन है. सेलिंग एक्सपेंस कितना है? दैट इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. टोटल, अच्छा, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, सो दैट वुड बी 67,500 प्लस 48,000 प्लस 34,000, सो दैट वुड बी 1,00,000. देखिए जो इसका टोटल आएगा, इसका टोटल जब करेंगे दैट वुड बी 1,49,550. सो वी विल टेक 10% ऑफ दिस वैल्यू, दैट वुड बी 14,955. अब इसको हमें डिवाइड करना है परसेंटेज फॉर्म में. सो यहाँ से हम लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस. दैट इज 10% ऑफ 1,49,550. ठीक है, एंड देन इसको हम रेशो में डिवाइड कर देंगे. रेशो आपको गिवन थी, दैट इज 20:40:40. ठीक है, तो यह आपकी जो वैल्यू है दैट इज 2,919, 5,918. बस आपके पास आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Now we will deduct post separation cost. And after deducting post separation cost, we will left only with joint cost or pre separation cost. So देखिए post separation cost क्या कितने कितने given है? 6,000, 5,000, 4,000. 6,000, 5,000 and 4,000. अच्छा, मैंने टोटल नहीं लिखा. सो द टोटल वुड बी 64,110, 42,020, 28,020. Now after this we will get joint cost. माइनस करके आएगा दैट इज 58,510, 37,020, 24,020. ठीक है, बट याद रखना जब भी कॉस्ट ऐसा हो है तो पहले आपको इसका टोटल जरूर करना चाहिए. देखिए टोटल करते हैं, 58,510 प्लस 37,020 प्लस 24,020, टोटल वुड बी 1,19,550. ये आपकी जॉइंट कॉस्ट का टोटल आया. एंड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था? देखिए यही गिवन था, 1,19,550. दैट मीन्स आपको फर्दर कुछ नहीं करना. अगर मान लीजिए ये अमाउंट इक्वल नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, अपोर्शनमेंट करते हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमने किया था दैट इज इन क्वेश्चन नंबर
हमने फोर में गया था, इसका जो टोटल था जो आपका आया था दैट इज आपको 8000 गिवन था, बट जब आपने जॉइन क्वेश्चन लगाया था निकाला था 8400, बट यू हैव टू अपोर्शन एज पर 8000। बट यहाँ पर देखिए दोनों अमाउंट जो इक्वल आए तो आपको फर्दर कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपने करना है सेकेंड पार्ट, दैट इज दी इफ बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज मार्केट वैल्यू एट 58,500। देखिए प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो पॉइंट लेते हैं, एक तो हम लेते हैं सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये दो पॉइंट कवर कर लेते हैं हम। अब देखिए खुद ही देखिए यहाँ पर, देखिए सेल एट स्पीड ऑफ पॉइंट कितना था, कितना गिवन आपको सेल एट स्पीड पॉइंट, दैट इज 58,500। एंड सेल आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था, दैट इज 60,000। अब इसमें से क्या लेस करोगे, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट देखिए कितना है, 37,020। ये तो दोनों ही से लेस करोगे, देन लेस करोगे फर्दर कॉस्ट, इसमें तो कुछ नहीं आएगा बट फर्दर कॉस्ट उसमें आएगा, दैट इज 5,000, तो वो भी लेस करोगे, ठीक है। बस अब टोटल कर दोगे, सो द टोटल वुड बी 21,480 एंड 17,980। सो दैट मीन्स इट इज एडवाइज्ड टू सेल द प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिकॉज वी आर गेटिंग मोर प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्स केमिकल्स परचेज सॉल्ट and processes it into refined product such as caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, X chemical purchased salt for rupees 40,000. Conversion of 60,000 were incurred up to speed of point, at which the time scalable product were produced. देखिए एक X chemical जो है उन्होंने जो है salt खरीदा और उनको रिफाइनरी करा, क्या क्या बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड देन फाइनली पीवीसी। अब उन्होंने जो रॉ मटेरियल यानी कि जो उन्होंने सॉल्ट जो खरीदा मार्केट से उन्होंने 40,000 पे, और स्पीड ऑफ पॉइंट तक उन्होंने 60,000 और खर्च करे, दैट मीन्स ओवरऑल जॉइंट कॉस्ट कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 1,00,000। द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। सोडा में देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ, दैट इज 1,200, उसको सेल भी इतना करा एंड सेलिंग प्राइस दैट इज 50। क्लोरीन को प्रोडक्शन के 800, बट इसको ना तो से बेचा ना उसकी कोई सेलिंग प्राइस। पीवीसी को प्रोड्यूस किया दैट इज 500, सेल्स किया 500 और सेलिंग प्राइस कितना है 200। ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 टू यील्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी। अच्छा क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं क्लोरीन के लिए उन्होंने फर्दर प्रोसेस किया 20,000 का एडिशनल खर्चा करके, ताकि जो है 500 टन के पीवीसी बन जाए, ठीक है। देयर वर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन जुलाई। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, एक्स केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 75 per ton। देखिए बोलना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, देखिए
सबसे पहले तो एक केमिकल एक्स है, उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट खरीदा, इसको उन्होंने, सॉरी मैं क्या लिखा हूँ, ये सॉल्ट, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, इसका उन्होंने जो है सोडा प्रोसेस किया, इसके बाद इन्होंने इसको क्लोरीन में बनाया, और फिर इसको जो आगे फर्दर प्रोसेस किया इनटू पीवीसी, ठीक है। अब जब सोडा बनाया तो उन्होंने क्या करा, कुछ सोडा तो उन्होंने यहीं बेच दिया, ठीक है, कितना था, दैट इज 1200। क्लोरीन को उन्होंने सेल नहीं किया सारा का सारा, जो कि कितना था 800, सेल नहीं किया उन्होंने, इसी को फर्दर किया पीवीसी में कन्वर्ट करके, फिर उन्होंने इसमें से इसको जो है 500 टन जो उन्होंने यहाँ बेच दिया, ठीक है। सो हमको बेसिकली यही देखना है कि कैसे कैसे जॉइंट कॉस्ट हुआ, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, बहुत से देखिए ना इसको, आगे लिखा है, अच्छा आगे ये बोल रहे हैं कि अगर क्लोरीन को अगर उनको अभी मार्केट में बेच दें, यानी कि फर्दर प्रोसेस ना करें, तो उनको 75 पर टन मिल लेंगे, यानी कि क्लोरीन को अगर फर्दर प्रोसेस ना करें इनटू पीवीसी, ठीक है, तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, दैट इज 75 पर टन। फिर लिखा है, वी नीड टू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख वुड बी अपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से फॉलोइंग मेथड्स हैं, सेल वैल्यू एट स्पीड ऑफ पॉइंट, फिजिकल मेजर्स, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं, हमें जॉइंट कॉस्ट करना है 1 लाख की, हमें एस एस मेथड से इसको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हम निकाल रहे हैं इस बार एज पर सेल वैल्यू, जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो हमसे किसका पूछा है, सोडा एंड क्लोरीन का ही पूछा है, हाँ जी सोडा एंड क्लोरीन का। तो वहाँ पास दो प्रोडक्ट हैं, दैट इज सोडा एंड क्लोरीन, ठीक है। इसकी देखिए क्वांटिटी कितनी कितनी है, दैट इज 1200 एंड 800, ठीक है। अगर इसको हम स्पीड ऑफ पॉइंट पे बेच दें, सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो इसकी कितनी कितनी वैल्यू मिल रही है, देखिए सोडा की कितनी है 50, एंड क्लोरीन की कितनी है, दैट इज 75। सो 50 एंड 75, सेल वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 60,000, 800 मल्टीप्लाई बाय 75, 60,000। सो दैट मीन्स जो जॉइंट कॉस्ट आएगी दैट वुड बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज 50,000 ईच। दैट्स इट, इजी था, क्योंकि देखिए हमसे पूछा है सेल वैल्यू पूछा है एट स्पीड पॉइंट पे, देखिए साफ साफ पूछा हुआ हमसे सेल वैल्यू एट स्पीड पॉइंट, तो स्पीड पॉइंट पे जो कुछ कितना हुआ 1 लाख रुपये, हमें उसको अपोर्शन करना है। तो स्पीड पॉइंट पे सोडा कितने बिक रहा है, दैट इज 50 पर टन, एंड क्लोरीन मार्केट में देखिए इसकी कितनी वैल्यू, दैट इज 75, ठीक है, बिफोर फर्दरिंग इंटू पी वी सी। अब एज पर फिजिकल मेजर्स निकालना हमें, सेकेंड फिजिकल मेजर, दोनों का ही पूछा है, सोडा एंड क्लोरीन फिजिकल, मतलब इस समय हमें इस बार फिर क्वांटिटी लेने लेना पड़ेगा बेस, दैट इज 1200 एंड 800, ये सबसे इजी है। तो देखिए जॉइंट कॉस्ट कैसे डिवाइड होगी,
इजी है। देखिए 1 लाख टोटल ज्वाइन कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, इसका टोटल कितना है, दैट वुड बी 2000। सो 12 / 20 दैट इज इक्वल टू 60,000 एंड दैट वुड बी 1 लाख इंटू में 8 / 20 सो दैट वुड बी 40,000 टोटल हो गया आपका, दैट इज 1 लाख। दैट वॉज वेरी इजी। नाउ अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू का दैट मीन्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो सेकेंड थर्ड पॉइंट सॉरी एज पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगेन वहां पर दो पोटेटो दैट इज सोडा एंड क्लोरीन। ठीक है, देखिए इसकी जो सेल वैल्यू है एट मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी होगी, सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सोडा कितने बिक रहे हैं, सेम होगी इसको तो 1200 × 550 सो दैट वुड बी 60,000। क्लोरीन का देखिए कितना है, क्लोरीन का देखिए अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो पीवीसी के देखना पड़ेगा हमें, दैट इज 500 × 200 सो दैट वुड बी 1 लाख। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 500 × 200 क्योंकि इसको पीवीसी में कन्वर्ट करते फर्दर प्रोसेस करेंगे तो। ठीक है, अब इसकी फर्दर कॉस्ट कितनी होगी, इसकी तो है ही नहीं, इसकी कितनी होगी 20,000 आपको गिवन है। ठीक है, अब बस अब निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी कितनी है दैट इज 60,000 एंड इसकी कितनी है दैट इज 80,000। बस अब निकालेंगे हम जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा दैट इज 1,40,000, इसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन कर देंगे सो दैट वुड बी 42,857 एंड 57,143 टोटल आपका आ गया दैट इज 1,00,000। ठीक है, अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको लिख भी देता हूँ मैंने कैसे निकाला था, दैट इज 60,000 / 1,40,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, दैट्स इट। सो ये आपका नेट रिजर्व वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, सेकंड पूछा है कि लाइफ स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन्स ऑफ क्लोरीन इन अगस्त एट ₹75 पर टन्स, द सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन अगस्त, हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड बी अफेक्ट इन ऑपरेटिंग इनकम, दैट मीन्स हमें इनको सजेस्ट करना है वेदर टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। देखिए क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको एट स्पीड ऑफ पॉइंट पे इसको सेल करते हैं तो इसकी ओरिजिनल हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, ओरिजिनल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी भाई, 800 × 75 दैट इज इक्वल टू 60,000। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, बट इसको अब बेचते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। देखिए हमें इसकी सेल वैल्यू कितनी मिली, 500 × 200 दैट इज 1 लाख। ठीक है, बट हमें फर्दर कॉस्ट हमें खर्चा कितना पड़ा दैट इज 20,000 का, दैट मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है दैट इज 80,000। ठीक है, पहले ये प्रॉफिट मिल रहा था अब ये मिल रहा है, सो दैट मीन्स वी नीड टू
रिजेक्ट दी ऑफर बिकॉज फर्दर प्रोसेस करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है रेदर देन टू एक्सेप्ट दिस ऑफर. ओके सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड एक्स एट द सेम स्पीड ऑफ पॉइंट स्टेज ड्यूरिंग द पीरियड 180,000 kg of raw material were purchased in the department 1 at a cost of rupees 12,88,000 and the resulted output of A, B and X were 18,000 kg, 10,000 kg and 54,000 kg. A and B further processed in department 2 at a cost of rupees 1,80,000 and 1,50,000 respectively. X was further processed in department 3 at a cost of rupees 1,08,000. There is no waste further processing. देखिए हमें और कुछ में क्या गिवन है. देखिए डिपार्टमेंट 1 में एक रॉ मेटल डाला और जिसका जो ओवरऑल केजी रॉ मेटल कितना दैट इज 1,80,000 का, उसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट लगी दैट इज 12,88,000. दैट मीन दिस इज आपको क्या गिवन है, दिस इज जॉइंट कॉस्ट गिवन. देन जो आउटपुट निकला दैट मीन्स 12,88,000 खर्च करने के बाद, जॉइंट कॉस्ट खर्च करने के बाद आउटपुट में क्या है, तीन टाइप के प्रोडक्ट आए दैट इज ए बी एंड एक्स. उनके हमें वेट्स गिवन है 18,000 kg, 10,000 kg एंड 54,000 kg. ए एंड बी को फर्दर कॉस्ट किया कितना कितना, 1,80,000 एंड 1,50,000. एंड डिपार्टमेंट 3 में एक्स को भी फर्दर प्रोसेस किया कितने में, दैट इज 1,80,000. अब आफ्टर फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो है क्वांटिटी सोल्ड करी ए की दैट इज 17,000, बी की 5,000 एंड सी की 44,000. देन सेल वैल्यू गिवन आपको 12,24,000, 2,50,000, 7,92,000. अच्छा याद रखना ये जो टेबल गिवन है दैट मीन्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. अब लिखा है देर वर नो ओपनिंग स्टॉक इफ दीज वर सोल्ड एट स्पीड ऑफ सेज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी एंड एक्स वुड बी 50, 40 एंड 10 पर केजी रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स अगर उसको स्पीड ऑफ पॉइंट में बेचते, यानी कि अगर हम ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ना करें तो इनकी जो स्पीड ऑफ पॉइंट में इनकी स्केल सेल वैल्यू कितनी होगी, 50, 40 एंड केजी 10 केजी. नाउ वी नीड टू रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू ए बी एंड एक्स. प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली. देन थर्ड वन इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड. एंड द लास्ट वन इज स्टेट विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी और ऑल प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ से काफ़ी पॉइंट्स हमने कवर करने हैं तो उसको वन बाय वन करते हैं. पहला हमें वी नीड टू प्रिपेयर अपॉर्चमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. ये तो हमें अच्छे से पता कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट पर्टिकुलर्स A, B and C. देखिए अभी हम सेल्स वाले स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं केजीज में कितना कितना. देखिए इसका था 18,000 केजी, ठीक है, एंड बाकी भी कितना था 10,000 एंड 54,000. सेल वैल्यू देखिए कितना है, दैट इज स्पीड ऑफ पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कितना कितना है, 50, 40 एंड 10.
50, 40 and 10. So 18,000 multiplied by 50, 10,000 multiplied by 40, and 54,000 multiplied by 10. ठीक है, सो इसका आ जाएगा दैट इज 9 लाख, 4 लाख एंड 5,40,000. ठीक है, देखिए हमें और कुछ तो गिवन है भी नहीं वैसे हमें. ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, देखिए जॉइंट कॉस्ट कितनी गिवन, दैट इज 12,88,000. ठीक है, तो उसको हम सेल्स वैल्यू पे निकाल लेते हैं बिकॉज हमें कोई रिवर्स मेथड अप्लाई करना नहीं इसमें, प्रॉफिट गिवन नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसको हम सेल वैल्यू पे ही निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर लिखते हैं रेशो ऑफ सेल्स एट स्पीड ऑफ पॉइंट जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू कितनी, दैट इज 12,88,000. ठीक है, इसको हमें रेशो में, कौन से रेशो में, देखिए रेशो यहीं पे आ जाएगी, दैट इज हमें करना है 90, 40 एंड 54. ये रेशो बन गई, सो दैट वुड बी 6,30,000, 2,80,000, 3,78,000. ये आपकी जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चमेंट हो चुका. ठीक है, इजी था तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली. अच्छा, तो देखते हैं इसको, हमें करनी है कॉस्ट पर केजी. सो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी दैट मीन्स हमें जॉइंट कॉस्ट भी और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा. जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, दैट इज ए बी एंड सी. यहाँ पर मैं फिर से यूनिट लिख देता हूँ, 18,000 के जी, 10,000 के जी एंड 54,000 के जी. ठीक है, और इसको हम टोटल भी कर देंगे बाद में जितना भी आएगा. अच्छा, हमें तो कॉस्ट पर के जी निकालना ना, तो हमें तो पर यूनिट को भी कॉलम बनाना पड़ेगा. तो देखिए जॉइंट कॉस्ट हमें निकालें ए बी एंड सी की, एंड हेडिंग भी लिखना पर ये हम निकालेंगे ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट. ठीक है, देखिए जॉइंट कॉस्ट तो अभी ऊपर हमने निकाला,
that is 630,000 for A, 280,000 for B, 378,000 for C. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें कितने कितने गिवन है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें गिवन है 180 फॉर ए, 150 फॉर बी, 1,08,000 फॉर सी. सो 1,80,000, 1,50,000, 1,08,000 टोटल करेंगे 8,10,000, 4,30,000, 4,86,000. ठीक है, अब हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. बेसिकली कॉस्ट पर केजी कितना कितना हुआ वो निकालना है हमें. तो देखिए कैसे निकालेंगे. देखिए ए हमें कितना प्रोड्यूस करें, टोटल 18,000, खर्चा कितना हुआ 8,10,000 डिवाइड करेंगे. सो आपका जो ओवरऑल आपकी जो आएगी कॉस्ट पर, दैट इज 45. देखिए 8,10,000 खर्चा हुआ, डिवाइड करो उसको 18,000 से, आपको मिलेगा 45. तो इसके अकॉर्डिंग आपको मीडिया कितना मिलेगा, दैट इज 10. ये मिलेगा आपको 35. सेम ऐसे करेंगे 430 डिवाइड बाई 10,000, दैट इज 43. ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 28. देन 4,86,000 डिवाइड बाई 54,000, दैट वुड बी 9. दिस विल बी 7 and 2. ठीक है, सो हमने निकाला दैट इज कॉस्ट पर केजी. ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर ये ए बी एंड सी में यहाँ पर मैंने पहले केजी लिखा, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि मैंने सर आपको कॉस्ट पर केजी आपको अच्छे समझ आए. तो सेकंड काम टेबल भी होगी ना. थर्ड वन इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड. टोटल प्रॉफिट दैट मीन्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट मीन्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे बेसिकली. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ए बी एंड सी देखिए, जब फर्दर प्रोसेस को कर रहे हैं तो हम एक्चुअली हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, जब फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो कितनी सेल यूनिट कर रहे हैं. देखिए 17,000, 5,000 and 44,000. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये यूनिट लेके चलना पड़ेगा. यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ 17,000, 5,000 and 44,000, इतने ही यूनिट सेल कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टेक सेल वैल्यू. सेल वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 12,24,000, 2,50,000, 7,92,000, 12,24,000, 2,50,000, 7,92,000. अब इसमें से हम लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट. ज्वाइंट कॉस्ट हमें निकालना है, ज्वाइंट कॉस्ट का हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. टोटल ज़्यादा इजी रहेगा बिकॉज हमने कॉस्ट पर तो निकाल ही लिया है, क्योंकि हम ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे फिर वो निकालने में दिक्कत आ जाएगी. सो इट्स बेटर हम टोटल कॉस्ट ही माइनस कर दें यहाँ से, बहुत ज़्यादा बेटर होगा. टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी है. देखिए कॉस्ट पर हमें निकालना है कितने कितना, देखिए 45, 43 and 9. तो उसी को निकालेंगे 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 43, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये 45 आएगा, 43 एंड 44,000 मल्टीप्लाई बाय 9. बस अब तो इजी हो गया. सो 7,65,000
215,000, 396,000. Now we will get overall profit. ₹4,59,000, 35,000, 396,000. ये हमारा गया प्रॉफिट. अब जो स्टेट विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस और नॉट. तो देखिए हमने जो अभी प्रॉफिट निकाला है कब निकाला, आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बट अभी निकालना पड़ेगा हमें प्रॉफिट एट स्पीड ऑफ पॉइंट तीनों का, फिर कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर करते हैं, देखिए प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ए बी एंड सी. पहले देखिए सेल, सेल वैल्यू, ठीक है. देखिए सेल वैल्यू कितनी, देखिए स्पीड अप पॉइंट पे देखिए हम कितनी यूनिट सेल करेंगे. देखिए हम तो 18,000, 10,000, 50,000 सेल करेंगे. सो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय इसकी सेल वैल्यू कितनी थी, 50, 40 एंड 10. तो उसी कटिंग कितनी वैल्यू लिख रही थी हमने ऊपर, देखिए 9 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख 40,000. 9 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख 40,000, ठीक है. इसमें से कैलकुलेट करेंगे हम जॉइंट कॉस्ट, दैट मींस प्री सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है. जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हमने पहले निकाला, देखिए कितना कितना, 35, 28 एंड 7 हमने पहले निकाल लिया. तो इसी के बेस पे लेके चलेंगे हम कितनी यूनिट सेल करने, देखिए हम 18,000. तो उसी के अकॉर्डिंग जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे कितनी है, 35, ठीक है. इसमें कितनी यूनिट बच रही है, दैट इज 10,000. इसकी आपकी आई थी दैट इज 28 एंड इसमें सेल कर रहे हैं हम 54,000. जॉइंट कॉस्ट पर केजी कितना था, 7. तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे. सो दैट वुड बी 6,30,000, 2,50,000 एंड 3,78,000. नाउ वी विल गेट प्रॉफिट एट स्पीड ऑफ पॉइंट. इन सबको हमें माइनस करना है. सो दैट वुड बी 2,70,000, 1,50,000 एंड 1,62,000. कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर देखिए हमें जो सेल करना है, यहाँ पर हम सेल लेंगे, देखिए प्रॉफिट ए को सेल करेंगे हम एट आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बी को सेल करेंगे एट स्पीड ऑफ पॉइंट, सी को सेल करेंगे हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है. सो दीज आर दी आंसर्स. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं. देखिए अ कंपनी ऑपरेट अ केमिकल प्रोसेस which produced 4 products K, L, M and N from the basis raw material. The company budget for the month is as under: raw material, initial process, wages, initial processes, overheads.
ये आपको जॉइंट कॉस्ट गिवन है, बेसिकली प्रोडक्ट गिवन आपको के एल एम एन, प्रोडक्ट प्रोडक्शन गिवन है 16,200 2,360, सेल्स गिवन है आपको, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है। अच्छा दैट मीन्स देखिए जी, के की जो आपको सेल वाले गिवन के आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, बी की गिवन आई है एट स्पीड ऑफ स्टेज पे क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ ही नहीं है, एम में आपको 30,000 गिवन आपको आफ्टर स्पीड अप पॉइंट एंड एन गिवन में आपको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। द कंपनी प्रेजेंटली इंटेंड्स टू सेल प्रोडक्ट एल एट द पॉइंट ऑफ स्पीड अप पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, द रिमेनिंग के एम एंड एन आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड। However, the management has been advised that it would be possible to sell all the products at speed of point without further processing, and if this course was adopted, the selling price would be as under. K ka diya hua 4, L ka 28, M ka 8 and N ka 14. The joint costs are to be apportioned on the basis of sales value realized at the point of speed of point. Easy hai, aram se galega. Now we need to present a statement showing the product wise and total budget profit or loss based on the proposal of sell to sell product L at speed of point and product K, M and N after processing cost. Prepare a statement to show product wise and total product of loss if the alternative strategy to sell the product at speed of point stage were adopted for all the products below. And then we need to finally recommend any other alternative in which your vendor can increase the total further processing cost and calculate the total profit, as also the profit wise profit or loss based on your recommendation. So pehle to hum wahi first stage kya hoti hai, that is apportionment of joint cost, hame karna hai as per sales value, to uske according karenge. Last question, that is question number 10. Apportionment of joint cost, and then in bracket you write as per sale at split of point. ठीक है, तो particulars K, L, M, N. So let's start with the sales value. देखिए कितनी कितनी भेज रहे हैं स्पीड अप पॉइंट पे, 16,200 2,060. तो पहले इसको मैं लेता हूँ सेल्स इन यूनिट्स, ले देता हूँ 16,200 2,360, then sales price at speed of point, that is 428,840. Then we will get sales value 64,500 16,000 14,400. ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, सबका सम करेंगे दैट वुड बी 50,000 17,520 एंड टू टाइम्स 16,240, इन सबका टोटल आ जाएगा दैट इज 50,000. सो 50,000 को हमें अपॉर्शन करना है जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 50,000
उसको हमें अपोर्शन करना है एज पर सेल्स वैल्यू. सो दैट वुड बी 32,000, 2,800, 8,000, 7,200. That's it. Now next one is second पर पूछा है, that is हमें निकालना है प्रॉफिट, निकालना है टोटल बजट प्रॉफिट. अच्छा टोटल तो आराम से निकल जाएगा हमारा. प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट तो हम लेंगे सेल्स. अच्छा अब हम सेल्स लेंगे आफ्टर स्प्लिटिंग पेज. तो हमें तो सेल्स वैल्यू ही गिवन थी 1,09,600, 5,600, 30,000, 21,600. 1,09,600, 5,600, 30,000 एंड 21,600. देन हम इसमें से लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट जो हमें जस्ट निकाली 32,000, 2,800, 8,000, 7,200. देन लेस करेंगे हम फर्दर प्रोसेस कॉस्ट. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट देखिए कितनी कितनी थी 28,000 to 800, 16,600, सॉरी 6,000, 28,800, 16,000, 6,000. एट लास्ट वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट इज 48,800, 2,800, 6,000 and 84,000. That is profit. ठीक है. लिखा है prepare a statement to show product wise total profit if the alternative स्ट्रेटेजी टू सेल द प्रोडक्ट एट स्पीड अप पॉइंट. अगर हम स्पीड अप पॉइंट पे सब बेचें तो फिर क्या होगा आपका प्रॉफिट. अगेन वी नीड टू प्रिपेयर अनदर स्टेटमेंट, दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट स्प्लिट अप पॉइंट. तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे सेल्स, ठीक है.
सेल्स यहाँ पे लिख रहे हैं एट स्पीड ऑफ पॉइंट, सेल्स एट स्पीड ऑफ पॉइंट, अच्छा मैं ऊपर निकाल ही लिया था, 64,000, 5,600, 16,000, 14,400, ठीक है, 64,000, 5,600, 16,000, 14,400, ठीक है। अब इसमें से लेस करेंगे हम जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट अभी हमने निकाली थी, दैट इज 32,000, 2,800, 8,000, 7,200, एंड देन वी विल गेट प्रॉफिट एट स्पीड ऑफ पॉइंट। सो दैट इज 32,000, 2,800, 8,000, 7,200। देखिए कंपेयर करना हमें, सो अगर हमें सजेस्ट करेंगे, देखिए क्या सजेस्ट करेंगे, अगर हम इसको सेल करेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसको हम देखिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होते हैं तो देखिए हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, तो हम इसी को रेकमेंड करें, इसको यहाँ पर भी सेल करेंगे, और दोनों बहुत सारी इक्वल, ठीक है। देखो इसको करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे मानना है कि फर्दर प्रोसेस को करते हैं तो एक अलग फिनिश मटेरियल निकला जाता है, सो इट्स बेटर टू सेल आफ्टर स्पीड ऑफ पॉइंट, सॉरी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको सेल करेंगे एट स्पीड ऑफ स्टेज, एंड इसको सेल करेंगे हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, सॉरी आपका 8,000, दिस दैट्स इट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड this chapter, that is joint product and byproduct. Hope you have understood very well. Thank you.